Hey guys, welcome to my channel. That's Kala Girl. I'm back from Kangsha. So finally, आज मैं अपना personal honest experience share करने वाली हूँ Koji Care की स्किन लाइटनिंग फेस क्रीम के साथ, जो कि आपको इस टाइप के आउटर बॉक्स में मिलती है। इसका जो आउटर बॉक्स है बहुत ही सिंपल प्लेन सा बनाया गया, लेकिन सारी की सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग इसकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट इसके आउटर बॉक्स में मेंशन करके रखी है। और ये है बहुत ही कॉम्पैक्ट सी इसकी इनर पैकेजिंग। ये जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये क्लेम करती है कि अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की पिगमेंटेशन अगर आपको है, या फिर आपको एक्ने है, उसे ट्रीट और फेड आउट करने में आपकी हेल्प करेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इसकी कंपोजिशन के हिसाब से आपको क्लियरली बताऊंगी कि किस किस चीजों पे ये क्रीम काम कर सकती है और किन चीजों पे आपको लगाना इसे कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट सी पैकेजिंग है, इवन इसकी कंसिस्टेंसी भी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मैंने इसे यूज किया है, पिछले कुछ दिन से मैं इसे यूज कर रही हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ये आपको थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी में मिलता है। फ्रेग्रेंस इसमें एकदम वैसी आती है जैसे बोरोलिन में से आती है। अगर आप इसे अपनी ऑयली स्किन पे गर्मियों में यूज करेंगे तो इसे लगाने के बाद हल्का सा पसीना जैसा आता है। मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व किया है कि इस क्रीम को लगाने के बाद, जैसे बोरोलिन को लगाने के बाद पसीना आता है ना, सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट ही मैंने इस क्रीम को लगाने के बाद भी ऑब्जर्व किया। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है और कम्प्लीटली आपकी स्किन में सक हो जाती है। आप देख सकते हैं कोई ड्यूई फिनिश आपको नहीं दे रही है और ना ही तो ये आपकी स्किन को मैट करके ड्राई बना देती है। इसके साथ साथ इसमें जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत हार्श और बहुत ओवरपावरिंग नहीं है। जनरली जितने भी अभी तक मैंने फार्मेसी वाले प्रोडक्ट यूज किए, स्पेशली मॉइस्चराइजर्स, उनकी फ्रेग्रेंस से मुझे काफी इशू रहा है, एक्सेप्ट इमोलिन क्रीम। बट इमोलिन क्रीम की जो कंपोजिशन है उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से मैंने आपको बोला है कि उसे आप यूज ना करें। इसकी जो कंसिस्टेंसी है मुझे पर्सनली अच्छी लगी। मैंने इसी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया था अपने नेक वाले एरिया पे। आपने भी ये पर्सनली ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जो नेक वाला एरिया है ये आपके बाकी बॉडी की स्किन से थोड़ा सा डार्क हो जाता है क्योंकि ये एक्सपोज्ड रहता है। मैं थोड़े दिन से ये ऑब्जर्व कर पा रही थी कि ये वाला जो मेरा एरिया है वो ऑलमोस्ट ब्लैक ही होते जा रहा था, क्योंकि दिन भर बाहर रहने की वजह से चाहे आप धूप में रहो या नहीं रहो, यहाँ पर एक्चुअली मैं सनस्क्रीन लगाना थोड़ा सा भूल जाती हूँ। मैं यहाँ वाले एरिया पे लगाती हूँ बट ये पूरा का पूरा एरिया मेरा ऑलमोस्ट ब्लैक हो गया था। बट समहाउ मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि ये प्रोडक्ट काम करेगा। मैं इस प्रोडक्ट को यूज करते रही नहाने के बाद, मैंने लेकिन क्लिप शूट नहीं की, इसलिए लाइव क्लिप्स मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी अनफॉर्चुनेटली। मुझे अगर पता होता कि ये प्रोडक्ट काम करेगा तो मैं जरूर से वो लाइव क्लिप्स आपके साथ शेयर करती, बट आप चाहें तो मेरे वर्ड्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप ट्रस्ट नहीं भी करते तब भी कंपोजिशन के हिसाब से आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपने फेस पे नहीं लगाया क्योंकि इसमें आपको कुछ मिनरल ऑयल्स मिल रहे हैं और कुछ पैराबिन भी इसमें डाले गए हैं, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी स्किन पे कैसे काम करेगा क्योंकि इसमें जो मिनरल ऑयल्स हैं वो जनरली उस तरह के इंग्रेडिएंट्स मेरे पोर्स को क्लॉग कर देते हैं और मुझे एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मेरी स्किन है ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव। तो इसे मैंने अपने फेस पे नहीं लगाया। ये जो प्रोडक्ट है, जो इसके क्लेम्स हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक क्लेम पे मुझे डाउटफुल लगता है कि काम करेगा, जो कि है एक्ने को ट्रीट करना। इसमें आपको कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा है जो एक्ने के ट्रीटमेंट में आपकी हेल्प करे। यहाँ पे आप इसकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हैं, अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं। ये जो प्रोडक्ट है लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स है। यहाँ पे आप बीच में देख सकते हैं इसमें कोजिक एसिड डी पाल्मिटेट मिल रहा है। कोजिक एसिड एक साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट है मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करने के लिए, तो इसीलिए ये आपकी स्किन कलर को लाइट करने का काम करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करने का काम करता है। देन इसमें नासिनामाइड है। नासिनामाइड अगेन वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है जो कि ओपन पोर्स की अपीयरेंस को लेके आपके स्किन बैरियर्स को स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देता है। इसके साथ साथ पिगमेंटेशन और एक्ने मार्क्स को भी फेड आउट करने में बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। इसमें विटामिन सी डाला गया है, पपाया एक्सट्रैक्ट इसमें है। इसमें वैसे आपको कई सारे वेरिएंट मिल जाएंगे, मैंने पपाया वाला लिया क्योंकि पपाया नेचुरली आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने का काम करता है। विटामिन सी अगेन आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है और अगर आपको रिंकल्स, फाइन लाइंस या एजिंग के साइन है पिगमेंटेशन के साथ साथ, आपकी स्किन डल हो गई, आपको टैनिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, इन सारी की सारी चीज़ों पर विटामिन सी बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये जो कुछ एंटी पिगमेंटेशन वाले इन्ग्रीडियंट इस एक क्रीम में डाले गए हैं ये इस प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं अगेंस्ट पिगमेंटेशन या फिर टैनिंग। तो अगर आपको किसी भी टाइप की पिगमेंटेशन है या फिर टैनिंग है
तो आप 100% इस क्रीम को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगेन, अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है, तो आपको अपने फेस पे लगाने से पहले इसका पैच टेस्ट करना होगा, क्योंकि इसे मैंने पर्सनली अपने फेस पे नहीं लगाया। अगर आप पैराबिन यूज करते हैं, मिनरल ऑयल्स यूज करते हैं, तो आप फ्री हैं इसे अपने फेस पे लगाने के लिए, बट एक बार पैच टेस्ट कर लीजिएगा। और जिन लोगों को बॉडी टैनिंग की प्रॉब्लम है, जो रिपीटेडली पूछते रहते हैं कि दी बॉडी टैनिंग पे क्या लगाएं, तो गाइस ये एक प्रोडक्ट है जो आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे लगा सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव तरीके से टैनिंग को रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसकी कंपोजिशन को नहीं बनाया गया है, बहुत ही सिंपल टू रीड है और एक इफेक्टिव प्रोडक्ट है। अगर आपने इसे यूज़ किया हो तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में सबके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं। मैं इसी टाइप के ऑनेस्ट रिव्यूज़ टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू, बाय।